हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए मैं कहाँ पर मिल रही हूँ आप सबसे, वही जो मेरी मनपसंद जगह है, किचन। ये देखिए, ये है ग्रीन ग्रीन हरा भरा सरसों का साग, जो है हम सबका फेवरेट। ये भेजा है मेरी मम्मी ने। ये देखिए, बथुआ, सरसों, पालक, सो बहुत सारा कुछ डाला हुआ है। और इधर चढ़ा दिया मैंने कुकर, कुकर में डाल दिया। आज मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी हरी भरी बगिया। तो ये देखिए मेरे पौधे जो मैं अभी लगाए थे डेलिया के कुछ ही दिन पहले, तो ये बहुत दिन से खिला हुआ था फूल, बस अभी इसका ख़त्म होने का टाइम आ गया ये वाले फूल का। और ये न्यू अभी खिले हैं 2-3 दिन पहले। ये देखिए ये आज खिला पूरी तरह से लेमन कलर, और इनके कलर देखो कितने प्यारे हैं। ये देखिए ये फ्लावर का पॉप, ये मैंने खुद बनाया फेविकोल के डिब्बे से कटिंग करके। तो इसको मैंने पेंट करना था लेकिन मैं पेंट नहीं कर पाई। तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं मेरे आंगन में। तो ये देखिए ये येलो वाला आज ही खिला है, और ये इसके बगल में भी दूसरे गमले में भी है लेकिन ये नहीं खिला है। ये लेमन कलर का खिल चुका है डेलिया का। तो डेलिया की मैं ज़्यादा लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये छोटा सा संतरे का पेड़, ये ऐसे डेकोरेशन के लिए लेके आई थी, बहुत ही अच्छा है। ये सरूंग के पेड़, तो ये तो आप सबने देखा ये पहले का। तो ये सब मैंने धूप में रखे हुए हैं इनको धूप लगवाने के लिए। और आप देखोगे हर वैरायटी के हैं मेरे पास। ये गेंदे का है, और ये पाम के पेड़ हैं, 4 पौधे लगाए हुए मैंने पाम के। और ये एलोवेरा, ये देखिए एलोवेरा के ऊपर कितना अच्छा फूल आया हुआ है। तो वो टोकरी वाले फूल जो मैंने आलू प्याज वाली टोकरी में लगा दिए थे। और ये है यहाँ पर बुद्धा जी। तो यहाँ क्या था कि ये मैंने गमला नीचे से उठा के ऊपर रख दिया, इसमें एक में येलो फूल हैं और एक में वाइट है, ये गेंदे के। ये देखिए हमारे बुद्धा जी बैठे हुए हैं। तो ये वाइट कलर के फूल हैं और बीच में डार्क ये येलो डार्क ब्राउन कलर है। ये मेरी क्योलियों के पेड़, ये मैंने गमले में लगाए हुए थे। ये देखिए कितने सारे फूल आ गए हैं इनको, ये देखिए। तो ये रहा ग्रीन ग्रीन धनिया का पेड़ हुआ है, ये हमने नीचे ज़मीन में लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पत्तियाँ निकल चुकी हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भी। तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जितना तोड़ेंगे उतना ज़्यादा होगा। ये हमने ज़मीन पे लगाया हुआ साइडों में क्यारियों में, तो बहुत ही सुंदर हुआ है धनिया। तो ये देखिए कुछ मैंने लटकन वाले जो हैंगिंग वाले बास्केट वाले पौधे हैं इसमें लगाए हुए हैंगिंग वाले बास्केट में। ये ऊपर ऐसे मैंने एक वायर की मदद से टांग दिए। ये मेरी तुलसी जी, और ये देखिए ये है जेट प्लांट, ये मैंने पाउडर मैंने खुद बनाया हुआ है, इसमें पेंट भी मैंने खुद किया हुआ है। ये सीमेंट से और कपड़े से बनाया हुआ है मैंने, तो है ना सुंदर। अभी हम आ गए हैं छत के ऊपर, अब नीचे वाली आपको बगिया दिखा दी। तो ये मैंने ऊपर गार्डन बनाया हुआ है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो अच्छे से उसका मेकओवर करूंगी किसी दिन। अभी 1-2 महीना लग जाएगा क्योंकि मैं बिजी हूँ थोड़ी। तो पौधे दिखा देती हूँ, कुछ तो मैंने खुद बनाए हैं, तो कुछ खरीदे हुए हैं। और मुझे शुरू से ही फ्लावर वगैरह लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो बस मौका ही नहीं मिल पाता ज़्यादा। तो अभी मौका मिला है और छोड़ूंगी नहीं मौका। तो बहुत सारे फूल मैंने लगा दिए हैं हर मौसम के। तो अभी इस टाइम तो डेलिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, और डेलिया के आपने फूल देखे भी हैं नीचे जो मैंने रखे हुए हैं।
तो अभी ऊपर मैंने खुद पौधे तैयार किए हैं डेलिया के, तो अभी मैंने कल ही उनको लगाया है, तो आप सबके साथ सोचा शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। और मैं कुछ भी बाहर से जैसे मिट्टी, गोबर की खाद डालती हूँ, मिट्टी डालती हूँ, रेत डालती हूँ, सब कुछ क्या कहते हैं खुद ही मिक्स करके खुद ही बना के करती हूँ, किसी से वो नहीं। और कल मैंने काफ़ी देर तक यही काम किया और काम में सक्सेस पाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप सबको दिखाती हूँ। ये है खाद, इधर सूख रही है, थोड़ी सी गीली हो गई थी, ये मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। ये मेरी केवलियाँ के पेड़, ये देखिए बहुत सारी लग भी गई हैं इनको, बड़ी बड़ी सी। कल तोड़ूंगी, आज नहीं तोड़ूंगी इनको, क्योंकि ये मैंने बर्तन साफ करने वाली टोकरी में लगाई थी। ये टोकरी मैंने सिकंदराबाद में खरीदी थी, अभी यहाँ पर मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी इसमें पौधे लगा दिए। और ये है मेरा पालक, पहले ख़राब हो गया था, अभी फिर से मैंने लगाया, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से। ये हैं धनिया पत्ते, धनिया के पत्ते, ये भी बहुत अच्छे से, हमने बहुत धनिया खाया इसका। और एक ये प्लांट है, और ये रहा एक मिर्ची का प्लांट, इस पे मिर्ची आई है, ये देखिए एक ये आई है मिर्ची। और ये था केरोसिन वाली बोतल, इसको मैंने पेंट करके ऐसे कर दिया। और ये कल दो लगाए मैंने, और ये मैंने खुद बनाए हुए हैं सीमेंट से कपड़े के साथ में। और ये देखिए मेरा जुगाड़, ये है मेरी पोचे वाली बकेट, ये टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, मतलब पोचा ऊपर से टूट गया, फिर ये वेस्टेज थी, तो मैंने कहा वेस्टेज का कुछ किया जाए। और ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया लहसुन और पुदीना, और ये देखिए मेरा पुदीना कितने अच्छे से चल रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से चल रहा है, नीचे रखा हुआ था, तो कभी गेट खुला रह जाता है तो गाय आके खा जाती है, इसको खा गई थी। तो ये देखिए स्नेक प्लांट लगाए हुए मैंने, ये मैं मार्केट में मेला देखने गई थी, मेले से लिए थे मैंने ये गमले, लेकिन बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, ये 25 के, 50 रुपए के दो आए थे, है ना, सस्ते। और ये देखिए इसमें भी मैंने लगाया हुआ, और ये है खाली अभी। और ये देखिए ये है प्याज के पत्ते, और बीच में एक दो पालक का पेड़, इसके पत्ते तोड़ के हम चटनी बनाते हैं। ये है इसमें लहसुन, इसके भी पत्ते वगैरह मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन लग रहा है इसके अंदर लहसुन भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसके बगल में भी लहसुन और पालक, ये दाल में थोड़ा बहुत डालने के लिए, जैसे एक मुट्ठी भर पत्ते मिल जाएं डेली फ्रेश, तो मैं दाल में डालती हूँ, और इतना तो हो ही जाता है। और ये देखिए ये हमारे हैंडमेड पुलाव, ये हमने बनाए थे, ये मेरा घर में बताया था ना, जब काम चल रहा था तो बहुत सारे पेंट के डिब्बे थे खाली पड़े हुए, और कम से कम 2 साल से पहले के है ये, ऐसे वेस्टेज थे। तो मैंने एक दिन स्टोर चेक किया, तो मैंने कहा चलो कबाड़ से जुगाड़ करते हैं कुछ। तो ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई, पीहू ने मेरे साथ हेल्प की थी, ये पीहू ने बनाए हैं, ये देखिए इधर से भी, ये देखिए इतना क्यूट सा लग रहा है इसका मूछ है किस मुँ। एक ये बना दी पेंटिंग, और ये देखिए एक लाइन बना दिया, इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी सी है। और एक ये देखिए इसके आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ये पेंट टपक गया नीचे, तो हमने सोचा इसके आंसू बना दिए कि आंसू हैं। और इन सब में कल मैंने पौधे लगाए हैं नए,
ये देखिए ये सदाबहार फूल है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं पिंक कलर के। और ये डेलिया के हैं, ये मेरे खुद तैयार किए हुए पौधे हैं, ये मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, ये मैंने खुद तैयार किया। 15 दिन में मेरे पौधे तैयार हो गए। ये देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने खुद तैयार किए पौधे, मैंने कटिंग से तैयार किए खुद। ये देखिए विश्वास नहीं हो रहा मुझे ये मैंने खुद तैयार किए, बहुत अच्छे से इनके रूट्स आ गए थे। ये है मेरे छत के ऊपर का गार्डन, अभी अच्छे से इसका मैं मेकओवर करूँगी किसी दिन सेटिंग करके। ये देखिए ये मैंने ऐसे ग्रिल के साथ लगाए हुए हैं, ये भी पौधा मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है। बाकी ये भी तैयार कर रही हूँ, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रहा है, येलो और वाइट, ये कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल सा फूल। हैंगिंग बाकेट में लगाया हुआ मैंने, डार्क मर्जेंटा कलर है ये, इधर टांगा हुआ है। तो अभी मैंने जो समर में वेजिटेबल्स वगैरह होने वाले होते हैं उनके भी मैंने कुछ पौधे बीज लगाए हैं कल, जैसे कि भिंडी, भिंडी के लगाए हैं कुछ, और करेले के लगाए हैं। बच्चे करेले बिल्कुल नहीं खाते हैं लेकिन मुझे शौक है लगाने का, तो मैंने लगा दिए। करेले के बीज लगाए हैं, भिंडी के लगाए हैं, लोबिया के लगाए हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से बीज निकलते हैं, तो जब निकलेंगे आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो अभी मैंने लगाया हुआ है, प्लॉट में भी काम मेरा चल रहा है, वहाँ पर एक मैंने मजदूर लगवाया हुआ है काम के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास वगैरह है, तो सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने घास वगैरह साफ़ करवाने के लिए एक मज़दूर लगाया हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगी उसको चेक करने के लिए, और साथ साथ बन रहा है मेरा साग, क्योंकि मुन्ना आएगा शाम को, शाम तक मैं तैयार कर दूंगी अच्छे से। और आप सभी बताइएगा कि मेरा गार्डन कैसा लगा आप सबको, और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर हैं मेरे गार्डन में, तो खिले हुए फूल कितने अच्छे लगते हैं। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फिर मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी एक अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय बाय फ्रेंड्स।